हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस में। इस वीडियो में हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी रेलवे की परीक्षा के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग चैनल पर नए हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण या विसरण। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर दो, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। क्वेश्चन नंबर तीन, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा के, द्रव्यमान के, रैखिक संवेग के या कोणीय संवेग के? तो जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के। क्वेश्चन नंबर चार, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर घंटा या 10.2 मीटर पर सेकेंड? इसका राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर पाँच, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या 28 घंटे? तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? यह होता है 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर छः, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौट आएगा या 24 घंटे बाद लौट आएगा? और डी ऑप्शन है कुछ निश्चित नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्वेश्चन नंबर सात, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। इसका राइट आंसर होगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। क्वेश्चन नंबर आठ, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? एक, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो या समान वेग से ऊपर जा रही हो? तो इसका राइट आंसर होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। क्वेश्चन नंबर नौ, पृथ्वी के परिता घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी या पृथ्वी के परिता उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी? तो पृथ्वी के परिता घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी? पृथ्वी के परिता उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। क्वेश्चन नंबर दस, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे या समान गति के साथ ऊपर या समान गति से नीचे? इसका राइट आंसर होगा त्वरण के साथ नीचे। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, टेनिस की गेंद की मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है,
पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। और डी ऑप्शन दिया है, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/5, 1/4, 1/6 या 1/8? तो इसका राइट आंसर होगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 15, लोलक की आवर्तकाल द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है या समय के ऊपर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 16, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है? और डी ऑप्शन है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, किसी सरल लोलक की लंबाई 4 बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 8% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 दिया, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% ये होगा यहाँ पे 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आवर्तकाल कितना बढ़ेगा? 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय घटता है, दुगना होता है, 1/4 हो जाता है या 4 गुना हो जाता है? तो कितना होता है? दुगना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या बढ़ेगी? तो इसकी समयावधि क्या होगी? बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी mp, p² m या p² / m या p² / 2m? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, p² / 2m। क्वेश्चन नंबर 21, हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? द्रोदाब से, प्रत्यास्थता से, रेडियोधर्मिता से, इनमें से कोई नहीं? तो हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से। क्वेश्चन नंबर 22, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है या तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है? इसका राइट आंसर होगा तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। क्वेश्चन नंबर 23, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव, प्लवन, श्यानता, प्रत्यास्थता? तो साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 24, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व? इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम प्रश्न, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने को होती है जिसका कारण है? पृष्ठ तनाव, श्यान बल, गुरुत्वीय बल या प्रत्यास्थ बल? तो क्या कारण है इसका? पृष्ठ तनाव।
और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। और इसके पहले की वीडियो जिसने भी नहीं देखे, उन सभी वीडियोज़ का लिंक प्लेलिस्ट में दे दिया गया, वहां से आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं।